संग जी महाराज चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज सोई महला चौथा समा रहे ने। हर कृपा करो मन हर रंग लाए, गुरमुखार हर नाम समाए। हर कृपा करे सच्चा पातशाह बख्शिश करे, उदी बख्शिश दे नाल ही मन दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा प्यार खिच वधदी आ। अकाल पुरख वाहिगुरु वाल मन लगदा आ, उहदा रंग अंदर लगदा आ, नाम अंदर वसदा आ। गुरमुख हर हर नाम समाए, जिहड़ा फिर इस तरह करदा आ उदी बख्शिश नाल उदे प्यार च लीन हुंदा आ, वो गुरमुख बन जांदा। उदा मन गुरु वल हुंदा है, अथवा मन अपना गुरु नूं बेच दिंदा है और अठे पैर उसदी हजूरी च रहिंदा गुरमुख। वो फिर गुरमुख जिहड़ा आ वो हर हर नाम समाए, हरी दे नाम विच अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम विच समा जांदा है। अपनी होंद नहीं रखदा, अपना वजूद नहीं रखदा, उसका स्वरूप बन जाता है। ताइयो गुरमुख नूं आत्मदर्शी ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुरु के शब्द समाने राव। हर रंग राता मन रंग माने, हरी दे रंग विच हरी दे प्यार विच जिहड़ा रत्या होया आ, जिहड़ा उहदे च लीन होया आ, जिहड़ा उसदे प्यार दे विच मस्त हो के अपने आप नूं भुला चुका है, अपनी होंद गवा चुका है, हौमे मार चुका है, वह आत्मक आनंद मानदा है। मन हर रंग माने, हरी दा रंग आत्मक आनंद सब तो उच्चा आनंद जिहड़ा आ वह मानदा आ। सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुरु के शब्द समाने, पूरे गुरु दे शब्द दे विच शब्द गुरु च मन ला लैंदा है। क्योंकि गुरु साहब गुरु नानक देव जी जदों कैलाश पर्वत ते सिद्धा नाल गोष्ट करनगे, ते सिद्धा ने फिर उन्हां नूं पुछिया, जदों बहुत वड्डी उन्हां दी ताकत देखी, शख्सियत देखी बहुत वड्डी, उन्हां कहे बहुत वड्डा पुरश आ। तो जो बहुत वड्डा पुरश पुछया तो उन्होंने कहा तेरा गुरु कौन है, कौन गुरु किसका तू चेला, तू एडा वड्डा पुरश आ, कैलाश पर्वत ते आया ही तो उड़ के आने, इन्नियां ताकतां दा मालक है, तेरा गुरु कौन आ। तो उसने महाराज ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मेरी सुरती जिहड़ी आ वह चेला आ, वह सेवक आ, तो गुरु मेरा शब्द आ जिहड़ा हर वक्त गुर शब्द ही गोबिंद गज्जिया। तो महाराज कहिंदे ने ओ गुरु गुर के शब्द समाने, जिहड़ा गुरु के शब्द समा गया, गुरु के शब्द के अंदर लीन हो गया, वो फिर सदा ही हमेशा ही आत्मक आनंद च रात दिने उसे विच रहिंदा, परवाह ना ही किसी केरी बात सच्चे ना है, उहदे विच ही रत्या रहिंदा। राव हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। हर रंग को हरी दे रंग नू अथवा उस दे प्यार नू हर एक लोचदा है, हर एक खिच करदा, मैं भी करतार दे नाल मिला, मैनू भी वो दर्शन होण, सारे कंधे ने खिच करदे ने। पर भाई किन्नू हुंदा, किहदे ते बख्शिश हुंदी आ, जिसने अपना मन गुरु कोल बेच दिता, जिसने अपनी होंद खत्म कर दिती, अपनी होमे अंदरों मार दिती, वह फिर गुरमुख गुरमुख बन जाता है। गुरमुख का रंग जिहड़ा आ चूला गूढ़ा होंदा है, वह उतरदा नहीं। जदों एक दफा चौथी अवस्था च आत्मक अवस्था चल जाता है फिर उन्हें माया डुलांदी नहीं है, फिर उसका आशा बदलता नहीं। जदों कच्चा होंदा आ पक्का दिने पक्का रंग जदों नहीं लगता, अजे कच्चिया च हुंदा आ, तो जिस तरह की संगत करता उस तरह की हो जाता है।
जे माड़ियां दी संगत करेगा माड़ा हो जाएगा, चंगियां दी संगत करेगा चंगा हो जाएगा। चंगा करद्या करद्या चंगियां दी संगत करद्या गुरमुखां दी संगत करद्या जिस तरह हम सत्संग च बैठे हाँ, ये करद्या करद्या मन इन्ना तगड़ा हो जाता है, मन पक जाता है। फिर वो कहिंदा मैं गुरु तो बाहर नहीं जाना, वो सब जानदा मिथ्या आ, सब कल जो गया जे मेरा मैं गुरु तो जड़ा विछड़िया तो वह फिर गुरमुख का रंग जड़ा ना वो प्यार जड़ा ना गूढ़ा हुंदा आ, वो अथवा अकाल पुरख वाहिगुरु ते लीन हो जाता है। अगे महाराज मिसाल दिंदे ने मन मुख मुगद नर को राहो जे सोलोचे रंग न होवे को। मन मुख जड़ा मन दे पिछे लगता है, मन दे पिछे कौन लगता है जेड़े विषय विकारां च घूमदा फिरदा है, काम करो लोभ अहंकार के विषय विकारां गलतान होया आ, वह मन के पिछे लगता है, गुरु के पिछे नहीं लगता। वो गुरु को भी आएगा तो अपनी मन दियाँ तरंगा नाल ही मंगया जाएगा, मैनू ए मिले दुनिया दी चीज़ां ही मंगी जाएगा, उसने कदे नहीं बख्शिशा मंगिया महाराज मैनू अपने नाल जोड़। वह मनमुख आ, वह मुगदिया मूर्ख आ, उहदा अंदर वह नर जिहड़ा आ वह आदमी जिहड़ा मनमुख आ अंदरों कोरा आ, उहदे ना उहदे अंदर प्यार नहीं अकाल पुरख वाहिगुरु का, सत्कार नहीं उन्हूं, हजूरी नहीं उन्हूं, डर पै है नहीं वाहिगुरु का, डर पै ना होण के पै और पाओ नहीं, दो चीज़ां गुर जोड़ी बाणी च बहुत उच्चियां ने गुरसिखी, जो पै और पाओ दो चीज़ां ना होणगियां तां आदमी मनमुख वैशी होएगा। पै कर डर सत्कार वाहिगुरु का, पाओ मैंने प्रेम, ये दो चीज़ां तो कोरा हुंदा आ। ओ जे सौ लोचे रंग ना होवे कोई, वो जिनी मर्जी आलोचना करे सौ सैकड़े दफा अपना उदियां आप तरले ले मगर उसनू उसका प्यार का रंग नहीं चढ़ता, उसके प्यार दे वाहिगुरु के नाम के अंदर नहीं वसदा, उसके नाम उसके अंदर शब्द गुरु नहीं वसदा, उसके अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु नहीं वसदा, उसके अंदर शब्द गुरु का जरा उपदेश नहीं वसदा, क्योंकि मन के पिछे लगा। जड़ा मन के पिछे लगता वो दो चीज़ा बिल्कुल अपोजिट ने, जड़ा मन के पिछे लगता वह गुरु वल नहीं जाता, जड़ा मन गुरु नूं भेजदा वह गुरु के नाल लीन हो जाता। इस करके पई वह जो मर्जी है सैकड़े दफा करे उसनों वह सत्कार प्यार अकाल पुरख वाहिगुरु का रंग वो नाम बाणी सिमर च नहीं रत्या जांदा। फिर कहिंदे ने नदर करे तां सतगुर पावै, उहदी नदर उहदी बख्शिश अगर होवे वो अकाल पुरख वाहिगुरु मेहर करे। देखो आपां उद्यम करना, उद्यम प्रसारित जरूर करना, उद्यम करके भी गरीबी अंदर लियानी कि मैं नहीं कीता, जिहड़ा कहेगा मैं कीता होमे च आ गया। और जदों ये करने आपां उद्यम करना, उद्यम करके महाराज फिर नाल ही कहना तू ही उद्यम करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा सच्चे पातशाह, ये जदों अंदर आ गया तो उहदी बख्शिश करेगी, नदर करे तो सतगुर पावे, फिर सतगुरु का मिलाप हुंदा है, शब्द गुरु का मिलाप हुंदा है। वो फिर की हुंदा नानक हर रस हर रंग समावे, वो हरी दे रस विच आत्मक रस विच लीन हो के उसके प्यार दे विच समा जाता है, अथवा अकाल पुरख वाहिगुरु च उसका मन लीन हो जाता है, हौमे मर जाती है तो उदे समा जाता है, तो फिर एक रूप द्वैते एक रूप होए गयो। महाराज कहते गुरु गोबिंद सिंह विद कर तपस्या प्यो द्वैते एक रूप होए गयो। ये कौन होंगे ने, एक किस तरह समाते ने, कहते ने जिन्नी नाम त्या